गंगा जी के नीचे एक बड़ा सा सुरंग है, जिसमें सुरंग में दरवाजा है कि जो कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक है सुरंग। क्या ये हाँ बात हाँ सही? ये हकीकत है। वो दरवाजा सुरंग खोले थे, चार अंगुल जब मतलब खोले जब चार तो उसमें अंगुल से हसास मतलब हुआ। हाँ हाँ तो उसमें से ब्लड निकला, और जैसे ब्लड देखे हैं तो अधिकारी लोगों ने बंद कर दिया उसको। जहाँ पर राजा युद्ध करके अपने प्रतिद्वंद्वी को बंदी बना कर लाते थे, तो इसी के ऊपर कोल्हू है उसी में डाल के उसको पेर दिया जाता था, पूरा पीस करके यहाँ निकल जाता था। अच्छा, यानी खून उन इसी तरफ से बहता था। हाँ बना हुआ है, अच्छा जी, ये पूरा हॉल था, यानी ये जो साइड में बना हुआ है पूरा हॉल था, ये घूमता था क्या? केवल ये घूमता था, अच्छा ये साइड में पूरा हॉल था। अच्छा जी, वो जो छेद बना इसके अंदर कैसा आदमी जाता था? मुंडी डालते थे, अच्छा, नीचे उल्टा करके डाला जाता है। उल्टा करके डाल दिया था तो मैं आप मुंडी, लोगों को एक नज़ारा ही दिखाता हूँ। ऐसे करके डालते थे साइड, ऐसे ही डालते थे ना? ऐसे डालते थे हाँ। और वो अंदर अपने आप चला जाता था। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक यू माय यूट्यूब चैनल एंड स्वागत है आप लोगों का रुस्तम नामक यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, इस समय हूँ मैं अपने उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले आई एम सॉरी यार दोस्तों, आप लोगों को नहीं बता पाया है कि मैं जाने वाला हूँ गांव। अचानक से मैं पहुंच गया अपने गांव, लेकिन दोस्तों गांव आने का एक ही मकसद है, जैसा तुम्हारा भाई ब्लॉगर है, यानी हर वीडियो में मैं मूवी के शूटिंग लोकेशन आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मूवी की शूटिंग लोकेशन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक ऐसी कहानी को दिखाऊंगा जो कि वो किला का नाम सुनते ही रूह कांप जाती, वो वाला सीन दिखाने वाले हैं। ऊपर वो है कड़े का किला, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को आज जानकारी देने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, ये किले की हिस्ट्री आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखेंगे कोई अगर लोकल मिलेगा ना, तो जानकारी लेकर आप लोगों को इस वीडियो में इस किले की हिस्ट्री के बारे में जानकारी देगी। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, अपने भाई के यूट्यूब चैनल पर लास्ट तक बने रहना। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर अपना नाम बताइए सबसे पहला। राकेश कुमार श्रीवास्तव राकेश कुमार श्रीवास्तव सर आपका नाम है। जी, तो सर ये बताइए, आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? हाँ देवीगंज। देवीगंज के रहने वाले हैं। हाँ तो सर ये किला की हिस्ट्री क्या है, कैसी है, आप अच्छे से जानकारी दीजिए मेरे को। ये जो इसका मेन गेट है ये गंगा जी में है, तो अच्छा ये गंगा जी पहले उस साइड से बहा करती थी, अच्छा ये आप मतलब कह रहे हो कि जो इसका मेन गेट था गंगा जी में था। गंगा जी में है, अच्छा जी, और ये गंगा जी उधर पहले बहती थी, हाँ उस तरफ बहती थी उस तरफ बहती थी। उल्टा। हाँ हाँ अच्छा मतलब गुतनी साइड से बहती थी। तो अच्छा अच्छा जब राजा जयचंद का इंतकाल होने वाला हुआ, उनका मरण दिन आया, तो अच्छा उससे पहले वो गंगा जी को बोल के गए थे हाँ कि ये गंगा जी तुम्हारे हवाले हैं, अच्छा जी, तो उन्होंने रातों रात इधर का धारा फोड़ करके इधर आ गई हैं। अच्छा ऑटोमेटिक यानी ऑटोमेटिक करिश्मा हुआ एक कर। करिश्मा हुआ। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए, जो मैंने सुना हूँ यहाँ के बारे में कि ये गंगा जी के नीचे एक बड़ा सा सुरंग है, जिसमें सुरंग में दरवाजा है कि जो कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक है सुरंग। क्या ये हाँ बात हाँ सही? ये हकीकत है, वो सुरंग के बारे में आप बताइए मेरे को कैसी है। ये सुरंग तो दिल्ली तक है, अच्छा जी, सभी लोग जानते हैं। मतलब वो सुरंग कहाँ पर है आज तक किसी को पता नहीं है। अभी मैं जब बॉम्बे में ज़्यादा करके रहता हूँ मैं, अच्छा जी, तो यहाँ मेरा गांव घर है, तो जैसा 4-5 महीने बाद आता हूँ तो यहाँ कुछ हुआ तो हाँ जानकारियाँ मिल जाती हैं कि यहाँ अच्छा, पे क्या हुआ था। तो यहाँ इस साइड से खुदाया गया था, इस साइड ये से, साइड से खुदाया गया था उधर हाँ का। ये अंदर साइड से हाँ जब आप जाएंगे तो बीचों बीच साइड से खुदाया गया था, अच्छा, तो वहाँ बोलते हैं दरवाजा मिला था, हाँ हाँ किस सोने का दरवाजा मिला था या किसका? अच्छा मतलब वो एक ऐसा लोहे का दरवाजा है कि उसमें आज तक जंग नहीं लगा, जी, और ऐसे करके उसको मतलब खोलने का होता था, ऐसे लोहा लगे हुए मतलब हैं। जब समझ में चार खोलना रहता ना, जब बड़े किसी फिल्म स्टार के घर जाओ तो ऐसा करके घुमाते थे, जैसा हाँ लॉक घुमाते हैं, होता। हाँ हाँ जैसा लॉकर होता है लॉकर। घुमाने के लिए, तो उसमें बहुत मोटे मोटे लोहे के छड़ लगे थे, अच्छा तो जी, उसमें क्रेन को फंसा करके उसको घुमाया गया, हाँ तो वो 4 अंगुल उठा था, अच्छा तो उसमें से खून की धार निकली थी, तो उसी वक्त तो उसको फिर से घुमा के, छोटा ट्रेन तो टूट गया था, अच्छा बड़ा ताकतवर ट्रेन आया था क्रेन, तो वो उसने खोला था, 4 अंगुल खुलने पर खून की धार निकली है, और उसी से उसको फिर से मिट्टी डलवा दिया गया। इसी किला में हाँ किला में फिर से उसको मिट्टी डलवा करके उसको बंद कर दिया गया। ये जो खून निकला था, यानी कि जो ऊपर आदमी को पीसते थे वो वाला खून था या कैसे खून निकला? दरवाजा खोले थे, हाँ, 4 अंगुल जब मतलब खोले जब चार तो उसमें अंगुल से हसास मतलब हुआ। हाँ हाँ तो उसमें से ब्लड निकला, और जैसे ब्लड देखे हैं तो अधिकारी लोगों ने बंद कर दिया उसको। अच्छा, जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो के द्वारा इसको खुदवाने का काम किया हाँ गया था। मशीन द्वारा पता लगा कि इसका कहीं ना कहीं तो दरवाजा मिलना चाहिए, क्या हाँ खाली एक ही गेट थोड़ी है कि मेन गेट गंगा जी में है, चलो आधा तो बह गया गंगा जी अच्छा में, जी, तो उसने अपने आक्रोश में ले लिया, हाँ और वहाँ पे इतना गहरा हो गया है कि हाँ उसका मेन दरवाजा पाना नामुमकिन है समझो। को मैंने जानकारी दिया था कि जो नीचे से जानकारी दिया था ना किला के बारे में, अब अंकल को ही पकड़ के ले जा रहा हूँ,
ऊपर आप लोगों को किला दिखाने वाले हैं, यानी ये पूरे यहाँ की लोकल है भाई साहब। ऐसी जानकारी आज तक आप लोगों को कड़े के किले के बारे में किसी ने नहीं दिया होगा, जो इतनी अच्छे से जानकारी दे रहे हैं ना भाई साहब। तो इनके लिए आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर देना, अंकल जी कितने अच्छे से जानकारी दी है। तो चलो अंकल के साथ चलते हैं ऊपर और पूछते हैं। अब ये चढ़ाई चालू हो गई है और हम धीरे धीरे करके अब ये किला के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, ये पहले इधर से रास्ता था या नहीं था इधर ऊपर चढ़ने के लिए? ये रास्ता पहले था नहीं इधर। अच्छा, लेकिन जब ही ये किला ध्वस्त हो गया तो पब्लिक अपना बकरियां चराने के लिए है तो जाने लगे। अच्छा, तो उसी तरह करके ये जो ईंटे पड़े हुए हैं ये सब रोड़े में बदल गए। अच्छा, ये जो ईंटे पड़े हुए हैं ये पहले अखा ईटा थे, पूरे बड़े थे। जो यूपी में अपना घर बनता था ना दोस्तों, पड़े पहले पुराने पत्थर हैं, ये बहुत ज्यादा पुराने पत्थर हैं। अच्छा जी, तो ये अब चल चल करके छोटे छोटे रोड़े में बदल गए हैं। हाँ हाँ, और ये चढ़ाई चालू है। अब किले के ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं, यानी अब हम लोग किला के ऊपर चढ़ रहे हैं। हाँ, और अभी आप नीचे के साइड देखिए, नीचे आप गहराई समझ सकते हैं क्या कितने ऊंचे पर हम लोग आ गए हैं। अच्छा, और अभी किला में चढ़ना बाकी है। उस समय क्या राजा चढ़ते ऐसे ही थे या कुछ व्यवस्था किए थे चढ़ने का? वो तो किला ध्वस्त हो गया, कोई देख नहीं पाया आज तक। अच्छा जी, किला ध्वस्त होना उनके जाने के बाद जब किला बैठ गया, ये किला और ऊंचा था। अच्छा, लेकिन किला जब बैठ गया तो ये पूरा ऐसा हो गया, सिंपल हो गया, पूरा सिंपल हो गया ये। तो दोस्तों आप लोगों को बता दे, अभी मैं आ चुका हूँ कड़े का किला, यानी ऊपर का नजारा आप लोगों को दिखाते हैं। तो ऊपर का नजारा दोस्तों यहाँ से देख सकते हो, मेरे को अभी पूरा यहाँ से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर दूर तक चीज दिखता है। तो हाँ जी दोस्तों, ये है कड़े का किले के ऊपर की खासियत, और चल के आप लोगों को ऊपर का नजारा दिखाते हैं। और ये भाई साहब आ गया, देखिए जहाँ पर राजा युद्ध करके अपने प्रतिद्वंदी को बंदी बनाकर लाते थे, तो इसी के ऊपर कोल्हू है, उसी में डाल के उसको पेर दिया जाता था। यानी वो कहने का मतलब ये बता रहे हैं कि जो राजा के विरोधी थे, यानी जैसे मेरा दुश्मन है ना, राजा क्या करते थे अपने दुश्मन को पकड़ के लाकर, ये जो आप लोगों को सामने किला बना हुआ है ना, इसी किला में ना डालकर पेर देते थे। आइए, ऊपर कोल्हू बना हुआ है, तो आइए और अच्छे से दिखाया जाएगा। तो आप मेरे को पहले ये जो सुरंग बनी है इसके बारे में बताइए, जो छोटा सा इसका दरवाजा बना है, क्या है ये? जब ऊपर से पेरा जाता था। अच्छा, हाँ जी दोस्तों, जब ऊपर से आदमी को डाल के पेरा जाता था ना, तो उसका अवशेष यही निकलता था। जैसे तेल पेर देने के बाद खरी निकलती थी, उसी प्रकार शरीर का पूरा अंग पूरा पीस करके यहाँ निकल जाता था। अच्छा, यानी खून वून इसी तरफ से बहता था। हाँ, यहीं से पूरा सब पूरा उसका निकल आता था। अगर ऊपर जाकर चक्री में किसी को पीसते थे तो उसका क्या हाल होता, वो भी ना मार के ना काट के जिंदा पीसवाते थे राजा साहब, जो कि राजा साहब के विरोधी थे ना, उनको जिंदा डालकर इसी में पिसवाते थे। यानी ये पहले नीचे नहीं था, यानी और ये लंबा था, ये और लंबा था। इसमें लोग कंकड़ पत्थर डाल के इसको पूरा पूर दिए हैं, और इतना ऊपर अच्छा। देखेंगे ये पूरी चट लगी हुई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, नहीं ऊपर से पेरने के बाद में पूरा अवशेष यही निकल जाता था। यानी जो उसका पूरा एक आदमी का धड़ वड़ होता था ना, पूरा नीचे बह जाता था। यार कितना उस समय का कितना डेंजर है। अभी हम लोग चढ़ रहे हैं, जो कि हमारे अंकल इनके साथ ही हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। अब ये सीढ़ी लगी हुई है कोल्हू की तरफ जाने के लिए, अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, ऊपर जाएंगे, ऊपर का नजारा आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली हम लोग वो जगह पर आ गए हैं जहाँ पर राजा चंद्र सिंह ने जिंदा आदमी को पिरवाते थे, यानी कि उनके जो विरोधी थे ना, उनको इसी किला में जिंदा पिरवाते थे। इनसे जानकारी लेंगे फिर अच्छे से आप लोगों को नॉलेज होगा। सर बताइए इसके बारे में। ये पहले यहाँ पर जो ये साइड में बना हुआ है, अच्छा जी, ये पूरा हॉल था। यानी ये जो साइड में बना हुआ है पूरा हॉल था, ये घूमता था क्या? केवल ये घूमता था। अच्छा, ये साइड में पूरा हॉल था। अच्छा जी, पूरा नीचे तक। अब ये मिट्टी उट्टी से पूरा पट गया है, हाँ, तो ये जाम हो गया है। हाँ, नहीं ये पूरा घूमता था पहले। अच्छा, ये जो आदमी को डालते थे किधर डालते थे? इसके अंदर डाल देते थे। ये जो छेद बना है आप लोगों को नजदीक से दिखाते हैं, ये जो छेद बना इसके अंदर कैसे आदमी जाता था? मुंडी डालते थे। अच्छा, नीचे उल्टा करके डाला जाता है? उल्टा करके डाल दिया था मुंडी। आप लोगों को एक नजारे ही दिखाता हूँ, ऐसे करके डालते थे साइड, ऐसे ही डालते थे, ऐसे डालते थे, और वो अंदर अपने आप चला जाता था, अपने आप घुस जाता था, अपने आप घुस जाता था वो। अच्छा,
और ये घुमाते घुमाते उसको पैर डालता था। यानी अंदर इसके बाद और कुछ पत्थर वगैरह थे क्या जो जो पीसते थे? अब इसके अंदर और क्या था ये जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि बहुत गहरा है। अच्छा, 3 मंजिला ऊंचा है। हाँ, तो नीचे तक निगाहें नहीं जाएंगी, वरना इसी में डाल करके विद्रोही को, और ये जब कोल्हू पूरा घूमता था, हाँ, उसके जरिए पूरा मतलब पीस जाता था। हाँ, समझ गया। उसका तेल निकल जाता था पूरा बॉडी का। यानी इनके कहने का मतलब है जो राजा साहब के विरोधी, जैसे कोई दूसरा राजा का आदमी आकर आक्रमण करता था ना, तो राजा साहब क्या करते थे, बंधक उनको बनाकर लाकर उनको जिंदा इसी पेलों में पिलवाते थे। भाई साहब ये आज भी वैसा मौजूद है। यानी कि दोस्तों आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना, ये भाई साहब बहुत साल पुराना है, यानी 500 साल या 500 वर्ष, 5000 वर्ष पुराना है। ये देखो आला उदल के जमाने का है, आला उदल जी के जमाने का ये है, ये है किला। किला भाई साहब, क्योंकि जयचंद और उनका जो लड़का था वो उनके साथ में मिल करके युद्ध करते थे। अच्छा, आधा किला तो गंगा जी में ही बह गया। अच्छा, आधा किला यानी गंगा जी में, क्योंकि उन्होंने जो मेन गेट था राजा साहब का आने का जाने का, तो वो उसी साइड में था, गंगा जी में था ही। तो कैसे आते थे जब गंगा जी का यहाँ पानी था, तो कैसे आते थे? पहले गंगा जी उस साइड से बहा करती थी, गुतनी साइड से। वो आपको छोटा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पड़ेगा, 3 किलोमीटर गुतनी पड़ेगा यहाँ से, जहाँ वो दिखाई दे रहा गांव दिखाई दे रहा है, टंकी पानी की दिखाई दे रही है, वहां से गंगा जी पहले बहा करती थी। तो राजा जी जैसे मतलब लूटपाट करते थे उस समय, क्या लूटपाट तो करते थे ना किसी देश में जाकर, किसी के गांव में जाकर? वहां के लोग इस प्रकार के हुए तो लूटपाट भी कर देते थे। अच्छा, नहीं तो इनके पास खुद का सब कुछ था। अच्छा, ये जो बाउंड्री के बारे में बता रहे हैं, ये बाउंड्री के बारे में 17 करोड़ रुपया आया था यहाँ की देख रेख करने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बन जाए, लेकिन वो पैसा पूरा हजम हो चुका था। सोनिया गांधी का राज चल रहा था, वही प्रधानमंत्री थी यहाँ की, और तभी 17 करोड़ रुपए मिले थे, ऐसा मैं अपने गांव में सुना हूँ, लोग ऐसा चर्चित कर रहे थे, तो मैं भी सुन लिया हूँ कि 17 करोड़ रुपए आया था, और खाली दीवारें उठा दी गई हैं साइड से, इतने में ही 17 करोड़ रुपए गायब हो गए। यानी ये दीवार जो उठाया गया तो इसमें ही 17 करोड़ रुपए गायब हो गए। ये पूरा पैटर्न बनाने के लिए था कि पूरा इसको पैटर्न बना दिया जाए, जैसे टूरिस्ट लोग वगैरह घूमने के लिए आते हैं ना दोस्तों, कि पब्लिक यहाँ से कोई नीचे गंगा जी की ओर न गिरे। अच्छा, कोई इधर से न गिरे, वरना उसकी मृत्यु निश्चित है। अच्छा, मैंने सर इस पे इस जगह पे बहुत सारे कांड सुना हूँ कि जैसे कोई कांड वगैरह होता था, इधर से आदमी 2-3 गिरे भी हैं। हाँ, गिरे भी हैं, इधर से गिरे भी हैं। जैसे कुछ बच्चे लोग होते हैं पढ़ना मतलब पढ़ाई करने में फेल हो गए। अच्छा, गुस्सा हो गए, घर में डांट खा लिए। तो एक तो आया था, यही छलांग मारा था, तो नीचे ऐसा पेड़ था, ऊंची झाड़ी में फंस गया, फिर उसको बड़े मशक्कत के साथ निकाला गया था। यानी जिंदे थे? हाँ, जिंदा था, क्योंकि मतलब झाड़ी में फंस गया था, नीचे नहीं गिरा। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई साहब, ये किला ना बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। यानी बहुत हर एक साल में कोई ना कोई इस जगह पर कांड होता ही रहता है। तो आओ दिखाते हैं आप लोगों को आगे का लोकेशन। अभी आप ये सीढ़ी जो देख रहे हैं बनी हुई है, यहाँ से सीढ़ी थी पहले जाने के लिए, इसके धंसने के बाद ये सीढ़ी टूट गई। अच्छा जी, यानी ऊपर जाने के लिए इसको ऊपर हम लोग पहले चढ़ सकते थे। हाँ, चढ़ सकते थे। सीढ़ी बनी थी, कैसी सीढ़ी बनी थी, जो हम लोग घर में बनाते वैसे, या ईटा कैसे एक एक ईटा निकाला? नहीं, जो ये पनपति ईटा होता था, जिनमें देखिए आज भी लोना नहीं लगा हुआ है कि ईंटे खराब हो जाएं। वो बता दे दोस्तों, यानी ये जो बनाएगा रोसैया ना, आज कितना नीचे लटका हुआ भाई साहब, इसके नीचे नहीं जा सकता, ये कभी भी फिसल सकता है। देख सकते हो दोस्तों कितना नीचे, यानी यहाँ से कोई गिरता है ना दोस्तों, डायरेक्ट गंगा जी में जाएगा। तो आओ अंदर का नजारा, उसकी मृत्यु निश्चित है, इतना भयानक है। अच्छा, ये यहाँ से कोई गिरा तो जिंदा नहीं बचेगा, आपकी जिंदा बनने का सवाल ही नहीं, कोई जीवित बच जाए। अच्छा जी, आओ अंदर आओ, अभी हम लोग घुस रहे हैं अंदर। ओ भाई साहब, यहाँ यार अंदर का नजारा देखो, ऊपर नचा के दिखाओ भाई साहब कैसा है यार। आज भी पूरा उसी प्रकार बना हुआ है। अच्छा, कुछ बिगड़ने का, कुछ ऐसा ढांचे से बनाया गया है कि इतने मजबूती से कि पहले बोलते थे कि जो ईंटे की पका करके और जो उसका राख निकलता था, उस राख को मिलाया जाता था और कुछ केमिकल डालते थे, और जो उड़द होती है, उड़द को पिसवा करके उसी में मिश्रण करके उसका मसाला इसमें लगाया जाता था। अच्छा, उड़द का मसाला इसमें, मतलब हाँ, उड़द जो खाने के लिए हम लोग, हाँ, तो उसका मसाला इसमें लगाया गया है, उसका मसाला इसमें लगा हुआ है। अच्छा जी, जो आजकल का मसाला है ये बहुत हुआ 60 साल 80 साल के अंदर अंदर ये झलना चालू हो जाता है। हाँ, इसका प्रोटीन खत्म हो जाता है, लेकिन इसका प्रोटीन आज भी बरकरार है,
कि लटका हुआ है फिर भी गिरने का नाम नहीं लेता। तो जैसे आप लोगों को अंकल बता रहे हैं ना, ये देखो भाई साहब एकदम सेम टू सेम, यानी आज जो हम लोग आप घर बनाते हैं ना ऐसे हाथ मार दो ना सिरमिट गिरती है, यानी ये बहुत साल यानी 500,000 साल पुराना है ये। हाँ, 5,000 वर्ष पुराना है, 5,000 वर्ष पुराना ये भाई साहब। इसमें से ना एक आप धूल भी निकाल नहीं सकते, इतनी ठोस सिरमिट है। तो ये बताइए सर, यहाँ से कैसे क्या होता था, ये किसने बनाया गया दरवाजा? ये पहले पूरा किला था, तो आधा किला तो गंगा जी में निकल गया है। अच्छा, ये पूरा यानी यहाँ आधा किला था। हाँ, तो जब राजा महाराजा ऊपर आते थे तो अपना यहाँ पर भी आते थे, यहाँ पर आकर बैठते थे तो चारों तरफ दरवाजा लगा हुआ, देखिए खुला मैदान है। तो जैसे आप लोगों को किधर से भी घुसते किधर भी जा सकते थे वो लोग। अच्छा, यहाँ से भूल भुलैया भूल भुलैया कर सकते हैं यहाँ से वो लोग। ऊपर जाने का जो सीढ़ी है ना, वो सीढ़ी बताते हैं कहाँ है सीढ़ी सर? सीढ़ी उस साइड से दिखती थी ना। अच्छा, ये है जाने। अच्छा अच्छा अच्छा, कैमरामैन भाई थोड़ा इधर आ पास में। ये दोस्तों आप लोगों को आज भी ये सीढ़ी दिख रही है, जो कि पहले राजा साहब ऊपर जाते थे, तो ये वही सीढ़ी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये सीढ़ियों को। अच्छा, भाई साहब आज भी आधी सीढ़ी है और आधी ये जो कि गायब है। यहाँ से बहुत ज्यादा डेंजर है भाई साहब, मेरे को तो यहाँ ही खड़े होने में डर लग रहा है। ये पूरा गंगा है भाई साहब, अभी की हालांकि गंगा एकदम घट चुकी है। तो आओ ज्यादा मत जाइए, क्योंकि लटका हुआ है आधा, कभी भी गिरने कगार पर है। छतरी लेकर के भैंसे चल रही हैं, अब बैठे बैठे कुछ सूझता है तो आदमी कलकोलना चालू कर देता। अच्छा, अच्छा, उंगली द्वारा उंगली से लकड़ी से ऐसे ऐसे करने लग गए तो उसको दिखी किस तलवार दिखी थी। तलवार दिखी थी, इतनी बड़ी तलवार थी वो, इतनी चौड़ी थी, अष्टधातु की तलवार थी, चौड़ी थी वो, इतनी लंबी तलवार थी वो। अच्छा जी, कम से कम 4-5 किलो वजनी तलवार थी। यानी वो तलवार लोहे की थी या सोने या अष्टधातु की? उसमें सोना चांदी पीतल तांबा यानी सब मिक्स लोहा था। अच्छा, सब मिक्स था उसमें, इसलिए तो उसकी धार कभी मुड़ती नहीं थी। अच्छा, ये बताइए जो आदमी को मिला था तलवार, वो गवर्नमेंट ने उससे छिना लिया, कैसे क्या हुआ? अब वो अकेले में था, हल्का सा जानकारी मिली है, अब वो तलवार लिया गया क्या उसी के पास है, ये मैं नहीं बता सकता भाई साहब। अगर किसी को ऐसी तलवार मिल जाए तो उसकी तो लाइफ सेट है यार। आज तक कोई राजा ने इसको अपना नहीं पाया, इसको कोई जीत नहीं पाया आज तक। यानी इस पे हमला भी हुआ था इससे पहले? हाँ, हमले बहुत हुए हैं पहले, राजा महाराजा तो लोग थे। अच्छा, तो ये पहले युद्ध ही करते बीतते थे। पहले के जमाने में बामनगढ़ था। अच्छा, बामनगढ़ का मतलब बामन राज थे, बामन राजा थे। अच्छा, छेद बने हुए हैं, ये जो छेद है। अच्छा, इनमें से तोप के गोले निकलते थे। अच्छा, मतलब मशीन इसमें कैसा फिटिंग किया गया था, जो छोटा सा छेद दिखा रहा वो उसके अंदर साइड में ही सब तोपे थी, अंदर ही तोपे थे, अंदर तोपे थी। हाँ हाँ। ताकि दुश्मन को ये ना पता चले कि यहाँ पे तोप रखी गई, यानी मतलब सीक्रेट जगह होते है ना, जैसे कि दूसरों को पता ना चले यहाँ पर क्या है क्या नहीं, तो उसी जगह पर ना तोप की नोके निकलती थी। वैसे ही आप बताना चाहते हैं ना, तोप पीछे तोप हुआ करती थी। अच्छा, और उसका मुंह जो है इन छेद में होता था। हाँ। जब तोप छूटती थी तो यहाँ से गोले निकल पड़ते थे, ग्राउंड नहीं था किले के आसपास। हाँ। वहाँ पे चौकीदारियाँ होती थी, बड़े बड़े अफसर लोगों को बिठाया जाता था कि आपको देख रेख यहाँ से करें। अच्छा जी, तो वो चीज वहाँ बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए बहुत सी चीजें हैं, ये किला को भ्रष्ट करने के लिए कितने लोग लगे थे? सुना हूँ मैंने इस किले को खोदवाना चाहते थे यहाँ के गवर्नमेंट, क्या ये बात सही है क्या? ये तो बात सही है, अगर वो किला को खुदवाया भी है, खुदवाए भी है यानी थोड़ा बहुत खुदवाए हैं। उसका गेट भी मिला, गेट मिला था जैसे आपने पहले ही बताया था। हाँ। वहाँ पर गेट मिला था, जैसे उसका खून थोड़ा सा खोला गया उसमें से खून निकला, तो फिर और अधिकारी डर के मारे उसको बंद करके और मिट्टी डलवा दिया, फिर से डलवा दिया। अच्छा, तो हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने कड़े के किले की हिस्ट्री के बारे में बताया, जो यहाँ के लोकल हैं उनसे मैंने जानकारी लेकर आप लोगों को ये जो कड़ा का किला है ना इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी लेकर बताया। अगर आप लोगों को कोई सा पार्ट वीडियो का गलत लगे ना, कमेंट करके अपने भाई को जरूर से बताना, मैं उसको फिर से आकर सुधारने की यानी फिर से वीडियो बनाकर सुधारने की कोशिश करूंगा। तो हाँ जी दोस्तों, ये है हमारे कड़े का किला जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली वीडियो आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो अपने भाई की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चाहे हाथ से मारना चाहे हथौड़े से मारना, बस अपने भाई की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।